एनिवर्सरी के लिए मैं लेने जा रही हूँ गिफ्ट एनिवर्सरी का। देख इसको खोल के स्टार्टिंग हो रही है ऐसे चलते हुए रोड पर, क्योंकि हम आए हुए हैं मंदिर सालासर बालाजी भगवान का दे, क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह, तो हम आए हैं मंदिर। ए हाय कर, हेलो कर, गुड मॉर्निंग गाइस, हम चार लोग आए हैं। मैं ये स्मार्ट धन्यवाद मैं बोल लूं एक बार। ये जीजू और ये जीजी दौर खाता है, अरे बच्चे बीच में मिल गई है जीजी को, पता नहीं कहाँ से ये दोनों जीजा साले लेकर आ गए हमारे लिए कचौरी। कचौरी कचौरी तू करने दीदी, हेलो करके जाओ एक बार। हम यहाँ पे कभी घर जा रहे हैं, यहाँ पे वॉशरूम के लिए रुके थे। कैसी लग रही मेरी साड़ी पीस मुझे बताना। पता है तुम कैसी लग रही हो इस सूट में, दिखा। सूट में ऐसी लग रही हो, वो ब्राइडल नहीं जाती फेरे के टाइम में चूड़ा पहन के पंजाबी जाती है दीदी। सब ऐसा लग रहा है, मैं बोलने वाली थी पंजाबी लुक दे रही है। हाँ दीदी बिल्कुल ऐसी लग रही है। ये दो इन दोनों को आज बांध दिया घर पे, तुम दोनों बंदे ही अच्छे लगते हो। जीजू हाय करो, वेलकम ससुराल जीजू। बहुत बहुत शुक्रिया, वो आगमन किया, स्वागत किया, स्वागत किया, स्वागत किया। चुन्नी पहनो जी जी, जबरदस्ती चुन्नी उड़ा रहे दीदी को। चुन्नी पहनो भाई। चलो सूरी के लिए मैं लेने जा रही हूँ गिफ्ट एनिवर्सरी का। करवा चौथ उसने मुझे रिंग दी थी डायमंड रिंग, अब मैं उसके लिए देखती हूँ क्या लेकर आती हूँ। उसको कुछ चाहिए, उसको लिए वही लेकर आऊँगी, मतलब मेरी भी इच्छा थी उसको वो देने के लिए। तो चलो चलते दिखाती हूँ मैं आपको क्या लेके आते हैं। देख इसको खोल के, हम ऑप्शन में भी लेकर आए हैं और पसंद नहीं आया था तेरे को। साइज साइज की भी दिक्कत थी, मैं दीपू का भी साइज लेके गई थी, पहन के देख छोटा है अब और भी रिजल्ट ले। अब अपनी मुझे कैसा लग रहा है आकर, बहुत अच्छा। मेरे को भी दो जीजू, ये लो बस इतना नहीं, इसमें ज्यादा दो मेरे थोड़ा सा। अब पूछेंगे गोल लोग मुझसे निर्जा कौन है, मैं निर्जा पहले बताता हूँ निर्जा कौन है। निर्जा मेरे मम्मी या सुसर की बेटी है ना, निर्जा मतलब सूरी के जो मामा है उनकी बेटी है निर्जा। निर्जा का फेस कर कितना प्यारा है गाइस देखो। जीजू क्या कर रहे हो जीजू? हलवा बना रहे हैं? अच्छा दोनों के लिए बना रहे हो हलवा। निर्जा क्या कर रही है? निर्जा तुम काम कर रही हो आकर? आपके लिए पकौड़ी बना रही हूँ। हाँ है ना, बताओ मम्मी आप क्या कर रही हो? आप आराम करो आज। आज एनिवर्सरी है, ये हमारे यहाँ पे आज के फंक्शन की तैयारी चल रही है। खाना बना रही है मासी जी, इससे क्या टेस्ट आता सबके लिए? तुम क्या कर रहे हो? तुमसे रुका नहीं जाता है ना? मैं की आई। हाँ हाँ तैयार ही है तो। छोटो पर्ची का सही आता है। मेरा गेम कैसे डिलीट किया तुमने? ये मोहित मैंने इनका गेम डिलीट कर दिया, पता है फोन में से भी डाउनलोड भी नहीं कर सकते उसको। अभी किया था, तभी तो बोल रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे।
कर दिया मैंने गेम डिलीट। अब इसको प्लीज डाउनलोड मत करना। अभी बज रहे हैं 4। मैं सोच रही हूँ मैं 1 घंटे लेट जाती हूँ और मैं इस बैठक वाले कमरे में आ गई चुपचाप बिना किसी को बताए इस रूम में। थोड़ी देर 1 घंटे सोफे पे लेट जाती हूँ, आँख लगे तो लग जाए, सोने के बाद मिलती हूँ ठीक है। मैं सो ली और थकान हो जाती है, कोई फेस्टिवल होता है तो घर में बहुत थक रखी हूँ, क्या करें। चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ कौन कौन आ गया, मिलवाती हूँ आप लोगों से। मेरी अलका दीदी है, ये आ गई है, मैं इनसे नाराज हूँ, ये गुड़िया को लेके नहीं आई है, उसी को वेट करते हैं बस। अब तो क्यों नहीं लेकर आई मेरी बच्ची को, बहुत प्यारी लग रही हो पता जी। ये मेरी भाभी है, ये जो हमारी बीच वाली बुआ जी है कमला बुआ जी, ये उनकी बहन है, ये दोनों है मेरी मामा सास की मम्मी या ससुर की बेटियां, ये बड़े वाले की और छोटे वाले की है, वो मासी जी है, सूत्री लाग रही बड़ी क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, सूत्री लाग रही हो ओ, फिर कौन देखती घूंघट लगा के बुआ मासी जी, तुमको इनको सब जानते हैं, मेरी ननंद है और वो मेरी बुआ जी की बेटी है, वो भी मेरी ननंद है, ये मेरा परिवार है पूरा। ये देखो, ये देखो पुत्री सी बहू। मैं जितना बोलूं उतना कम है क्योंकि एकदम ग्रैंड वाली एनिवर्सरी थी। डेकोरेशन यार मेरे को सच में मेरे को लगा नहीं था कि एनिवर्सरी इतनी धमाकेदार और इतनी बड़ी वाली करेंगे। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक्स सो मच। दोनों हो चुके हैं रेडी, कैसी लग रही है मेरा आउटफिट है, अभी मैं दिखाती हूँ आउटफिट कैसा है मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी एनिवर्सरी इतनी ग्रैंड एनिवर्सरी बनेगी, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे ये था कि हम बाहर चले जाएंगे, डिनर पर चले जाएंगे, थोड़ा सा घूम कर आ जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा ने इतना बड़ा सरप्राइज रखा मेरे लिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी करने वाली बात ये थी कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मेरे को इतना प्यारा गिफ्ट मिला। आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो, मुझे एक इयररिंग्स मिले, वो भी इतने प्रीटी मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी वो बोलते ना माँ बाप को पता रहता है कि बच्चों को क्या चाहिए, तो मुझे सच में इयररिंग्स चाहिए थे। इयररिंग्स मेरे पास बहुत सारे हैं बट मेरे को लॉक वाले चाहिए थे, मेरे पास में सुई धागे वाले। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक्स अलॉट। मैं चाहती हूँ हर लड़की को मेरे मम्मी पापा जैसे मम्मी पापा मिले। शादी के बाद में मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मेरी शादी हो गई है, मेरा मेरे मायके से ज़्यादा मेरे ससुराल में मन लगता है क्योंकि मुझे ये लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मम्मी पापा दीदी जीजू और मेरे पति के लिए स्पेशली थैंक यू इतना प्यारा परिवार देने के लिए। फिर मैंने उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया, सबसे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग ली। ये मेरे पापा के दोस्त हैं राजोंगल, वो मेरी ददिया सास है, मेरी कंप्लीट फैमिली थी मेरे साथ में, मेरे सारे रिलेटिव्स थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, आप लोग देख सकते हो कितना खुशी वाला माहौल था घर में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत। ये है माया आंटी, बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहती है, इनको मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं 2 बार इनसे मिल भी चुकी हूँ 2-3 बार। और ये है मेरी बुआ जी की बहू सुमित्रा भाभी हैं ये, और ये उनकी ननंद है मतलब मेरी बुआ जी की बेटी हैं ये। सब परिवार आया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को सबसे मिलकर, और आप इसी बहाने मिल लोगे। ये अलका दीदी, आप लोगों ने अलका दीदी को बहुत ब्लॉग में देखा ही होगा, ये गुड़िया को लेके नहीं आई थी, मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, गुड़िया हमको बहुत प्यारी लगती है। ये मेरी बुआ जी, आप इनसे भी मिल चुके हो। ये मासी है, मासी एकदम माँ जैसी, एकदम बेस्ट फ्रेंड है हम लोगों की, हम बता नहीं सकते जितना हमारा मासी से अच्छा बॉन्ड है ना इस घर में किसी से नहीं होगा, क्योंकि मासी एक तरीके की सच में बेस्ट फ्रेंड है। हम जो हम किसी को बातें शेयर नहीं कर सकते हम मासी से ज़रूर कर लेते हैं, और मासी एकदम कूल रहती है। और देखो मैं यहाँ पे पैसे छीन रही हूँ कि मासी इनको मत दो, मुझे ही दे दो सारे पैसे। मासी सच में बहुत प्यार करती है हम लोगों को, और ये सबसे बड़ी मेरी बुआ सास है मतलब मेरे पापा की, मेरे पापा से भी बड़ी वाली बहन है, मतलब पापा की सबसे बड़ी बहन है ये वाली। मैं यहाँ पे सबको केक खिला रही थी, और मैं आपको बता दूँ कि मेरी मतलब चाची जी और माया आंटी, मेरी 2 मुसिया सास और बुआ जी, और एक दो और थी जिनको मैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई भाभी लगती थी, कोई मासी लगती थी, कोई दीदी लगती थी, सारे लोग आए थे बट मेरे को नाम नहीं आता तो मैं नाम भूल रही हूँ। देखो पीछे एक आंटी जी भी आई हुई हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है यार, और मैं एडिट अभी रात को कर रही हूँ तो मम्मी अंदर बैठी हुई, मम्मी से मैं सबकी पूछ के नाम लेती। लेकिन आंटी मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग दी मेरे को, थैंक्स अलॉट आप लोग के आने के लिए। और फिर उसके बाद हम सब लोग चले गए डांस करने, आप लोग हमारा डांस देखो यहाँ पे, ये सब ये लोग इयररिंग्स देख रहे हैं कैसा था इयररिंग्स के आने थे, लेकिन इयररिंग्स सच में बहुत प्रिटी थे बहुत ज़्यादा।
पायल, ये मेरे हस्बैंड ने दी थी और सच में मेरी डिमांड इनसे पायल की थी। मैंने आपको पायल का ही बोला था ना कि मेरे को, मैंने इनको ऐसे बोला था कि मेरे को पहले करवा चौथ पर इस मिडल फिंगर के लिए मेरे को रिंग दे देना और मेरे को पायल, क्योंकि मेरे को सॉन्ग है ना वो गड्डी ते, तो मेरे को इनसे पायल चाहिए थी। तो इन्होंने मुझे देखो एकदम ब्यूटीफुल सी पायल ला के दी है। और ये जो आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाओ एक बार, दिख रहा है? और ये जो मेरे इयररिंग्स देख रहे हैं, ये डायमंड वाले इयररिंग्स मेरे मॉम और डैड ने दिए, मम्मी पापा ने दिए हैं, बाकी सब ने पैसे दिए हैं। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर आशीर्वाद जो पैसे देते हैं और मतलब कपड़े देते हैं। अभी तीन गिफ्ट है, एक मेरी ननद ने दिया है, दो नंद ने दिया है, एक भाभी ने दिया है। अब मैं देखती हूँ गिफ्ट में कौन क्या क्या है। एक्चुअल में क्या, मैं देखती तो सुबह, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी, तो देखना बनता नहीं जान। कितने गंदे तरीका से तोड़े अपा है, वो लोग ऐसे गिफ्ट पैक करा करा के लाते हैं, वो भी डबल डबल में है, डिब्बे डिब्बे में, और अपन ऐसे तोड़ लेते हैं। वाउच में वो निकला है, क्या है? अच्छा ऐसे ऐसे खुलने वाला है, इसमें फ्लावर है, ये देख आ गया ना फ्लावर तेरे लिए। वाओ देख, इसको ऐसे रहने दूं क्या? हाँ ये इसके लिए तो है, ऐसे ना, हाँ सजाने के लिए ही है, ऐसे डेकोरेशन वाला। हाँ तुमने नहीं दिखाया किसी को, मैंने तुमको क्या दिया, कितने गंदे हो तुम, दिखाया सबको, सबको ऐसा लगेगा कि बस काजल ही गिफ्ट है। ये कड़ा दिया है इन्होंने मेरे को, मैं लेके तो कुछ और आई थी तो कड़ा तो ले लिया ना मैंने। यार इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है। अब आओ यार, ये भाभी ने बहुत काम की चीज दी है मेरे को, ये चूड़ी वाला बॉक्स ये हर लेडीज के लिए काम आता है, क्योंकि अपने पास में बैंगल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, चूड़ियां ये सरोज दीदी ने बहुत काम का चीज दिया, थैंक यू सो मच सरोज दीदी। अब इसमें क्या है, ये भाभी ने दिया, मतलब सरोज दीदी की जो रियल वाली भाभी, उन्होंने दिया ये। ड्रेस की लग रही है ना, इसमें साड़ी है, ये वाली साड़ी भाभी ने दी है। अच्छा प्रिंट है, डार्क चॉकलेटी कलर, चॉकलेट कलर अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। और अब मुझे प्लीज बताना आप लोगों को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी कैसी लगी। सबसे पहले तो मैं पायल पहनूंगा, मुझे पायल बहुत प्यारी लग रही है। यानी पसंद किसकी थी सच बताना? मेरी। अच्छा तो पता था मैं इतनी पायल, इतनी पतली पायल पहनना पसंद करती हूं। तुमने बोला था ना एक दिन पतली सी चाहिए मेरे को। हां क्योंकि मेरे पास जितनी भी पायल है, मेरे को पता है सब भारी भारी है, सॉरी भारी भारी है मेरे पास, और मैं सिर्फ पतली पायल पहनना पसंद करती हूं, भारी पायल बिल्कुल पसंद नहीं। वाओ डिजाइन देख कितनी सुंदर है, पसंद तो तेरी अच्छी है वैसे तो, बस कभी कभी तुम हरकत कर देते हो, अपन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एक सेकंड देखते हैं, अब देखो जैसे मैंने ये वाली पायल पहने की कितनी बड़ी है, एकदम परफेक्ट है यार, सुंदर। तो गाइस मुझे बताना आप लोगों को मेरा एनिवर्सरी कैसी लगी, मेरा परिवार कैसा लगा। मोस्टली अब तो आप मेरे आधे परिवार से मिल चुके होंगे, मेरा परिवार नहीं था क्योंकि मेरा परिवार कम से कम कितने 400-500 किलोमीटर पड़ता है, 400 किलोमीटर पड़ता है मेरा मायका यहाँ से, तो यार इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी और ज़्यादा बड़ा वाला फंक्शन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वाला, तब आई होप मेरे फैमिली वाले आए, बाकी इतनी दूर से नहीं आ सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।